नाम सुविया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सीके सुपरस्टार का 25 डेज का कलेक्शन आ चुका है। चलिए बिना देरी करे आपको बता दो कि इस फिल्म ने अब तक की कितनी कमाई की है चाइना में। जी हाँ, 2.59 मिलियन US डॉलर कमाई की इसने आज के दिन, और ये टोटल हो रहा है 16.65 करोड़। जी हाँ, अगर टोटल की बात करें तो 111.99, यानी करीबन करीबन 112 मिलियन US डॉलर इसने कमाई की है अकेले चाइना में। और इसका एक्यूमुलेटेड टोटल होता है यानी पूरा 720.11 करोड़, यानी कि 720 करोड़ इस फिल्म ने कमाई कर ली है। और अगर हम पूरे कलेक्शंस की बात करें अभी तक के, तो पहले हफ्ते में 293 करोड़ तक का कलेक्शंस था। दूसरे हफ्ते में इसने कम से कम जो कलेक्शंस किया 216 करोड़ का था, लेकिन अगर मैं टोटल जोड़ू पहले और दूसरे हफ्ते का तो 509 करोड़ बनता है। तीसरे हफ्ते के बाद जो टोटल जाकर हुआ वो 650 करोड़ का बनता है। उसके बाद चौथे हफ्ते में आप देख सकते हैं ये फिल्म अभी तक बढ़िया कलेक्शंस कर रही है, और आज के दिन जिसे हमने कहा 16.65 और टोटल 720.11 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर इसमें अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस भी जानने की कोशिश करें तो 720 को हम ऐड कर लेंगे 134 से, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस आएगा 854। जी हाँ, 850 करोड़ के ऊपर इसने कमा लिया है। और 3 दिन और चलने वाली ये फिल्म अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो, यानी कि इस 3 दिन में अगर 15-16 करोड़ भी कमाए, इस तरह से भी चलती रहे, तो इसके चांसेस आराम से है 900 करोड़ पार करने के। जी हाँ, 900 करोड़ ये पार कर लेगी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी अगर इसका एक्सटेंशन नहीं मिलता तो। क्योंकि जहाँ तक पता चल रहा है कि 15 फरवरी तक का ही एक्सटेंशन, आई मीन 15 फरवरी तक का ही इस फिल्म का रिलीज़ है। क्योंकि 16-17 तारीख से मॉन्स्टर हंट 2 आ रही है, जो तहलका मचाने वाली है, जिसका एडवांस बुकिंग कम से कम 160 या 165 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके सामने टिक पाना इस फिल्म का बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर फिल्म को एक्सटेंशन मिला तो ये 1000 करोड़ तो कमा लेगी, इतना उम्मीद है। आई होप कलेक्शंस आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, एक और चीज़ बता दो, अभी भी ये नंबर 1 पर ही चल रही, बाकी फिल्मों को पीछे करके रखा है। और लोग एडमिशन की अगर बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इस फिल्म को देखने आ रहे हैं, यानी कि फिल्म अभी भी बाकी फिल्मों को बहुत बड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। देख सकते हो, इतने दिन के बाद अगर कोई फिल्म इसके आसपास नजर आई तो फॉरएवर यंग उसने बढ़िया कलेक्शन किया चाइना में, उसके बाद सीके सुपरस्टार ने किया, लेकिन लगा सीके सुपरस्टार फॉरएवर यंग का कलेक्शन तोड़ नहीं पाएगी। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।